ओके, दे आर वर्स्ट। इफ वी आर, तो आप हमारा ब्लॉग क्यों देख रहे हैं? आपको हमारा पूरा ब्लॉग भी देखना है, उसमें से मसाले भी उठाने हैं, क्योंकि अगर आप मसाले नहीं उठाओगे तो भैया आपको काम कैसे मिलेगा? आप ट्रोल कैसे करोगी? आपकी जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे निकलेगी, है ना? तो यहाँ आ गया है, शी गॉट ट्रोल्ड फॉर हर ज्वेलरी थिंग। विच ज्वेलरी थिंग? शी बॉट इट हर सेल्फ एंड गेव इट टू शो। ओ ओके, तो अब एक तरफ आप लोग बोलते हैं हाय ये लोग हर चीज ब्लॉग में दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर मैंने कभी कुछ जाके अपने लिए, तो मतलब एक ही तनिष्क से एक ही चीज ली जा सकती है ना, एक ही दिन पे दो अलग अलग दिनों पे दो चीजें नहीं ली जा सकती। मैंने ये लिया था और शोएब ने मुझे ये दिलाया है, अब इसका बिल मैं आपको दिखाऊं, ये प्रूफ दू, जस्ट दैट आई डिड नॉट शूट गोइंग इनसाइड तनिष्क बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी। मुझे वो बड़ा वाला चेंज करके छोटा पहनना था, आई जस्ट वॉकड इन। उस दिन मैं ऐसे ही घूम रही थी धर्म दादा के साथ, तो मैं गई, मैंने लिया एंड आई केम आउट एंड दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई बॉट, आई डिडंट शो इट। तो जरूरी है कि अगर मैं दिखाऊंगी तो ही वो चीज है? आई मीन प्लीज गाइज, मतलब देखो आप लोग हमसे ऑब्सेस्ड कितने हो कि आपको हर डिटेलिंग में घुसना जरूर है और हर डिटेलिंग का मजाक उड़ाना है। वाओ, मतलब दिस इज समथिंग जो आप लोग स्प्रेड कर रहे हो कि किसी की भी उठा के सिर्फ धजिया उड़ाओ, है ना? हाँ, आफ्टर एवरी ट्रोलिंग she pretends that she is not well etc etc, what kind of high risk pregnancy, she is out all the time eating junk, can't eat wheat but maida, yes, such a double standard person, please be real for once, I am real, main aisi hu, ha mere sath ye problem hai ki main gehu khati hu to mujhe problem hoti hai lekin main maida khati hu to mujhe problem nahi hoti, main apne doctor ko bhi bata chuki hu, hum log is bare mein bahut has bhi chuke hain, I am real, main yahan kisi ko kuch prove karne nahi baithi hu। अगर आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो आप मत देखिए मेरा चैनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु शावर अ लॉट ऑफ लव ऑन मी, आई एम हियर बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट पीपल गेट पॉजिटिविटी, आई एम हियर फॉर दैट। तो आप ये जो रबिश सी नेगेटिविटी फैला रही है ना कि मैं हर इसके बाद बीमारी का नाटक करती हूं, मैं कोई नाटक नहीं करती। मैं जब बीमार होती हूँ मैं जेन्युइनली बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, और जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ या मुझ में इतनी एनर्जी है। मतलब तुम लोगों के साथ नहीं होता क्या यार, कभी बीमार पड़ो और उसके बाद फिर थोड़ा बेटर फील होने लगे, फिर वापस ऐसा लगे कि नहीं आज फिर से लो हो रहा है, कम ऑन। मैंने अपनी, अगर मैं ये कुछ भी बोलती हूँ तो अपनी प्रेगनेंसी का हवा बनाया हुआ है। क्या हवा बनाया हुआ है? आप प्रेग्नेंट हुए हो कभी? बिकॉज यहां मैं हर किसी से पूछती रहती हूँ, देयर आर सो मेनी लेडीज हु कमेंट कि हाँ हमारे साथ भी यही हुआ है। मतलब इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, आपके साथ किस दिन, एवरी डे इज अ न्यू इमोशन, आपके साथ किस दिन क्या होता है ये आपको पता नहीं।